अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर आज आशा कार्यकर्ताओं ने सुमन पार्क में धरना प्रदर्शन किया एवं जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। आशाओं का कहना है कि हमारी 12 सूत्रीय मांगे यदि सरकार नहीं मानती तो हम प्रदेशव्यापी आंदोलन को बाध्य होंगे। आज हमारी 12 सूत्रीय मांग को लेकर धरना प्रदर्शन है। सरकार हमारी अनदेखी कर रही है और हर चीज में आशाओं को पीछे करते जा रहे हैं। कहते हैं कि आशाएं उसकी हेल्थ ये स्वास्थ्य विभाग की कड़ी है, लेकिन आशाओं से काम तो करवाते हैं लेकिन बिल्कुल उनको पैसे देते समय बोलते हैं कि हमारा बजट नहीं आया, तो इसलिए आशाओं में सब में रोष है। और आज हमारी जिला स्तर पे धरना है, ब्लॉक स्तरों पे भी हमने किया था, आज हमारा जिला स्तर पे धरना प्रदर्शन। जिले में से आठ बात देखता हूँ जी, क्या मांगे हैं आज आशाओं का? जो है पूरे प्रदेश में जो है धरना प्रदर्शन है, हर जिले में जो है रैली निकल रही है। अभी पिछला जो है 23 जुलाई को जो है 23 लोगों पर हुआ था और सरकार से भी बातचीत हुई थी कि यदि तत्काल अगर समाधान नहीं हुआ मांगों का तो हम 30 तारीख को जो है पूरे प्रदेश के अंदर जो है रैली प्रदर्शन करेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में जो है आज रैली प्रदर्शन करना पड़ा और आगे का भी जो नोटिस जो है उसमें अवगत करवा दिया गया है सरकार को कि 2 अगस्त से जो है पूरे प्रदेश के अंदर आशा कार्यकर्ता जो है कार्य का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि 2018 में गैरसैंण विधानसभा में जो है इनका जो पिछला जो है प्रोत्साहन राशि के लिए बजट जो है 32-33 करोड़ जो है मंजूर हुआ था और प्रत्येक आशा को जो है 30-32 या जो बात की लगी उनको कम मिला, लेकिन वो जो है मार्च 2018 के बाद जो है इनको प्रोत्साहन राशि का 1 पैसा भुगतान नहीं हुआ है, जबकि जो है वो पहले जो मुख्यमंत्री खंडूड़ी जी थे खंडूड़ी के टाइम खंडूड़ी सरकार का भी और त्रिवेंद्र सरकार का भी ये है कि हम 18,000 इनको साल भर का देंगे, लेकिन वो 18 के हिसाब से अगर वो लगाया जाए तो 3 साल का 54,000 प्रत्येक आशा कार्यकर्ता का जो है मानदेय हो, तो इनके साथ जो है बड़ा घोर अन्याय जो है उत्तराखंड सरकार कर रही है, जबकि तमाम जो है कोविड कार्य में तमाम कोई भी रात दिन जो है सारा काम जो है आशा वर्कर से लिया जा रहा है, लेकिन उनकी इतनी ज़्यादा अनदेखी हो रही है। यदि आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए और यदि आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर